हेलो गाइस, स्वागत करते हैं किट्टू ब्लॉग्स के यूट्यूब चैनल पे। तो ये रहे हमारे पति देव, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये हमारे ऋषभ, गुड मॉर्निंग ऋषभ। कुछ नहीं, ये रही हमारी वंदना दी, गुड मॉर्निंग वंदना दी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऋषभ बोलो। भाऊ प्लीज ऐसे मत करिए। 8 लाख? किसका? कोई बात नहीं, सबका समय होता है, कभी मेरा भी समय आएगा तो लोग हम लोग का भी ब्लॉग देखेंगे। ऐसा नहीं है, जब हमारी एनिवर्सरी थी लोगों को इतना ज़्यादा उसका इंतज़ार था, रहता था कि नहीं रहता था। अब मैं ही हमेशा ऐसे फंक्शन करूँ गाइस, तो बताइए मैं कहाँ रहूँगी। ज़िंदगी में कुछ और भी तो करना है। अभी मैंने इलाहाबाद में एक फ्लैट लिया, आप देखिए कि अभी उसमें पैसे कितने ज़्यादा खर्च हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि वो नहीं, अरे देख रहे हैं। म्यूजिक नहीं, बिल्कुल नहीं, करती रहो ना। और ऋषभ कहाँ जा रहे हो? सुसु और इसके सोनाक्षी गई पढ़ने, और इनके दोस्त आए थे तो हम लोग सोए थे तभी चले गए, पता ही नहीं चला कब सुबह सुबह चले गए, पता चला। और मैं क्या कहने वाली थी, क्या कहने वाली थी, वो कुछ कहने वाली थी ना। आज मैं इनको ऑफिस नहीं जाने दे रहे हैं। क्यों नहीं जाने दे रहे हैं बता दो थोड़ा सा। आज हम लोग को बहुत जरूरी काम है। हाँ, वो जरूरी काम के लिए हम लोग अभी आज बाहर जाएंगे, और उसको अभी आप लोग को नहीं शेयर कर सकते हैं वो सब बातें। जब पूरा हो जाएगा तब शेयर करेंगे आप लोगों से। तो आज मैं इनको रोक ली हूँ, तब तक मैं सोच रही थी कि घर की साफ सफाई कर लेती हूँ। बाबू खाना क्या खाना है वो भी बताओ, जल्दी बना दें। खिचड़ी बना दें। खिचड़ी खाएंगे। खिचड़ी तो वंदना दी अच्छा बनाती हैं। खिचड़ी कह रहे हैं खाएंगे, फिर बताओ क्या खाओगी। मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, मेरा भी मन नहीं कर रहा आज खाना खाने का। लड़का, अरे यार लड़का को खिला दोगी, एक आदमी है घर के अंदर, कुछ भी खा लेंगे। मैं तो खाई भी नहीं थी रात को। सोनाक्षी को क्या दी सुबह तक? रोटी सिक्की दिए थे, रोटी है जिस बजे चार पाँच छः की रोटी है। बनाई हो? नहीं, उसके लिए बनाए थे, बस दे थे। अच्छा चलिए गाइस, देखते हैं क्या बना सकते हैं, क्योंकि सब्जियाँ खत्म है, अभी हम लोग को बाहर भी जाना है। तो बहुत शादी पड़ रहा है, बहुत शादी पड़ रहा है, इसीलिए हम लोग का ब्लॉग नहीं दिख रहे हैं। आप लोग ना इसीलिए नहीं दिख रहे, पता है मुझे, बहुत अच्छे से पता है। एडवांस में हैप्पी बर्थडे, एडवांस में हैप्पी बर्थडे, ले पकड़ो। थैंक यू बोलिए, बोलिए नहीं नेक्स्ट टाइम से कुछ नहीं मिलेगा। थैंक यू बोलिए, थैंक यू मौसी जी, बोलो हेलो। हेलो हेलो। अरे कल जो नहीं सबका चॉकलेट डॉग खुला था, हटाए थे क्या? दिख नहीं था। नहीं यार, दो डब्बा था, हम खुद ही याद है, और दोनों एक डब्बा दिखे, एक डब्बा दिखे यार। तो गाइस आप सबको पता है कि 21 को ऋषभ का बर्थडे है और 22 को कार्तिक का बर्थडे है, आई मीन मिष्टी के बेटे का बर्थडे है। तो आप सब देख लिए कि मिष्टी ने सबको इनवाइट कर दिया, सबको बुलाया है, और उसके बाद हम लोग को भी बुलाया। तो आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि मैं क्या लूँ अपने लिए। वो उसका ना एक थीम्स है, वो बोली थी एक थीम्स बनाएंगे, तो अगर उसमें सेम मतलब कि जो भी रहेगा आप लोग सेम सेम ड्रेस पहन कर आना। तो चलिए गाइज देखते हैं कि उसका कौन सा थीम, मतलब कि ड्रेस में भी तो बोली थी ब्लू कलर का ही करेंगे, तो ब्लू कलर का तो वंदना दी के पास साड़ी है ना। ब्लू कलर साड़ी नहीं है? अच्छा भी है सीक्वेंस में, लेकिन साड़ी नहीं पहनने का मन कर रहा है। मिष्टी का ड्रेस बहुत सुंदर लग रहा है, मैंने देखा है। गाइज हमारे यहाँ पानी आ रहा था, और आज ही आप लोग देखे हैं कि पतिदेव हमारे कितना मेहनत से कूलर वगैरह साफ किए थे, लेकिन इसमें सारा गंदा पानी घर आ गया, और उसके साथ साथ इनके मुंह में के अंदर भी थोड़ा चला गया। तो ये बदबू दे रहा है बहुत खराब, अब ब्रश करो पहले। और हमारे यहाँ बारिश हो रहा है, किसके किसके यहाँ बारिश हो रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पे वंदना दी अपना रूम साफ कर रही हैं, अभी मैं अपना रूम साफ नहीं की हूँ यार,
क्या करें वंदना दी, कहाँ से गंदा रहेगा, हमारे में सब दिन भर रहा, हमारा ज्यादा गंदा हो जाता है यार। हम छोटे से बच्चे नहीं है कि हम फैला के रखते हैं, कभी हमारे में सब रहता है, खाना पीना देती हो तुम ब्लॉग में। तो हम भी चलते हैं रूम साफ कर लेते, ठीक है जी, रूम साफ कर लें। रूम तो साफ ही है, काम नहीं यूजी हुआ है। बस और साफ कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए क्या बिक रहा है, सब खा रहे हैं। ओहो हो हो, किट्टो रानी क्या हुआ, क्या क्या सरप्राइज तुम करती रहती हो, इसमें हम भी हैं, तुम भी हो, इसके सब कचर के सोएंगे। क्या बात है, ऐसे कोई बैठेगा, काफी अच्छा कपड़ा भी लग रहा है जी इसका। अगर बेड पे कोई बैठेगा ऐसे तुम लोग के मुंह में कोई गैस छोड़ हद नहीं हो गई है, हद क्या, पेड़ सीट भी मार दे। वैसे अमित किट्टो लिखना चाहिए था इस पे, सोल क्यों लिखा हुआ है, सोना लिखा है ना, सोलमेट सोलमेट। कैसा लग रहा है बाबू, अच्छा लग रहा है किट्टो जी, इसका दोनों अच्छा लग रहा है। मैं आपको सरप्राइज ही देती हूँ, ऐसा वैलेंटाइन डे पे अच्छा लगता है। देखूं क्या लिखा हुआ है, हर दिन वैलेंटाइन डे मना सकते हो, ये बंदर थोड़ा उसको सही करो, फिर उसके बाद दिखाते अपनी फैमिली को, तो फिर उसके बाद अपनी फैमिली को बताऊंगी कि ये मैंने कहाँ से बनवाया था। काफी अच्छा लग रहा है, पिक्स भी खूब सुंदर लग रहा है, कलर है ना काफी सुंदर लग रहा है ना। टू हर दैट बिट एज वन लिलिया केक। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कोई फील करेगा ऐसे। वंदना दी सो गई, आप लोग देख सकते हैं गाइस, इनको इतना अच्छा फील आ रहा था कि बोल रहे हैं बहुत मस्त लग रहा है बेड सीट, तुम लोग को नीचे दबा दिए सो ऐसा फील करती हैं। अच्छा लग रहा है, काफी सुंदर लग रहा है, कलर भी काफी सुंदर है इसका, कपड़े की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है कि नहीं, किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो ऐसे। आजकल यही सब धूप हो गया, आय मैया ऐसे ही लोग बीमार होंगे तभी तो डॉक्टर के पास लोग जाएंगे, डॉक्टर की कमाई होगी अब, ऐसे ही लोग बीमारी। हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी किसी को अगर जैसे गिफ्ट भी देना चाहते हैं ना, जैसे देखो तुम सब चुम्मू रहे हो, होता है जब चादर है बेड बैठोगे तो होगा ही, लेकिन टाइट अच्छा लगता है ना, अलग अलग फोटो सब है, वो बीने के शादी का है, वो दीदी हाँ तो का है, ये किसी के शादी का है, ये सचिन मनीषा घर का है, ये कहा तुमको ट्रिप, अच्छा ये घर का है, ये मुंबई का है, ये देखिए ये फोटो मेरा एकदम मस्त लग रहा है ये वाला ना, सचिन मनी से फर्स्ट यूनिवर्सरी का है, और बीने के शादी का है, वो दीदी के घर का है, ये शादी तुम्हारे यूनिवर्सरी का है, मेरे यूनिवर्सरी, मेरे बर्थडे का है, यूनिवर्सरी बर्थडे बर्थडे का है, सबका यादगार, सब में मस्त लग रहे, एक भी बता दो जिसमें अच्छे नहीं लग रहे हैं। सोचो मम्मी पापा कितना अच्छा है जो तुम्हें पैदा किए हुए, मेन होता है सारा क्लियर। दोस्तों ये कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा हमको, ठीक है, और जिसको बनवाना रहेगा तो मैं आप लोग को बता दूंगी, आप लोग वहाँ से बनवा सकते हैं, हम भी बनवाएंगे लेकिन हम रेड कलर नहीं बनवाएंगे, नहीं रेडी अच्छा लगता है, वो खिल के आता है, पिंक कलर भी बहुत अच्छा लगेगा, नहीं पिंक नहीं अच्छा लगता है, तो ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोग को भी और कुछ और दिखाएंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का लुक क्या है कि मैंने ऐसे ऐसे बाल किनारे किनारे लगा दिया, और मेरा जो हेयर कटिंग हुआ है ना यहाँ से, मेरा हेयर कटिंग अच्छा नहीं हुआ है, मुझे ऐसा फील होता है ना, अब छोटे लोग हैं तो छोटे ही ऐसे में बोला करिए। ए ऋषभ आपको पता है ना ब्लॉग कुछ भी कर लेते हैं, और गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने एडवांस में ऋषभ को चॉकलेट दिया है, क्या झूठ बोल रहे हो ऋषभ, चलो ठीक है नहीं दिए, आजकल बच्चे भी कितना झूठ बोलते हैं गाइस। और उसके बाद मैं अपने लिए क्या लूंगी तो मैं देखती हूँ, मैं अपने लिए भी कुछ नया अभी जा रही हूँ लेने के लिए, क्योंकि परिजनों के बाद मैंने रोक रखा है और मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। और ये बेड शीट कैसा लगा जो कि मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि अभी मैं उसको किसी स्पेशल डे में भी बिछाऊंगी ना, तो मुझे आप लोगों को दिखाना था। ये रहा हमारा आज का काफ़ी ब्लॉग लंबा हो रहा है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ऋषभ के लिए मैं क्या दिलाऊँ, उससे पहले मैंने इनको चॉकलेट दे दिया है खाने के लिए, ऐसे ही इनके खाते रहो, फिर देखा जाएगा क्या होगी लोगों क्या नहीं। और उसके बाद मैं अपने लिए क्या लूँ आप लोग भी कमेंट करिएगा कि दो दो बर्थडे है, दोनों बर्थडे में क्या पहनूँ, ऐसे पहनूँ कि दोनों पे काम चल जाए।
तो आज का ब्लॉग यहीं पे, वीडियो आज पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।